जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी फार्मिंग यानी कि खेती पर निर्भर करती है। फार्मिंग से ही उनकी इनकम जनरेट होती है और वो अपना जीवन चलाते हैं, फिर चाहे वो स्मॉल स्केल पर हो या बड़े स्तर पर। जाहिर सी बात है, फार्मिंग से जुड़े इक्विपमेंट्स का बिजनेस करना भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों, खेती में पानी की जरूरत का अंदाजा तो हमें है ही, ऐसे में सक्शन पाइप्स बहुत काम आते हैं और ये पानी को पंप की मदद से खींचकर खेतों तक लाकर पानी का इस्तेमाल भी बढ़ाते हैं और पानी को सही जगह तक भी पहुंचाते हैं। सक्शन पाइप्स का इस्तेमाल हर उस जगह पर किया जाता है जहां पर सक्शन यानी कि पानी को खींचकर बाहर निकालने की जरूरत होती है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट में सक्शन पाइप्स की डिमांड काफी ज्यादा होती होगी और ये इसे बनाता है एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया। हेलो, आई एम राहुल झा एंड वेलकमिंग यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री जिसमें हम आपको बताएंगे और जानकारी देंगे सक्शन पाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो आप भी इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री को शुरू से अंत तक जरूर देखें अगर आप इस बिजनेस को करने में इच्छुक हैं। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात कि अगर आपको इस बिजनेस को या ऐसे ही रिलेटेड किसी और बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आईडी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सक्शन पाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको करनी होती है इन्वेस्टमेंट और इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करीबन 65 से 70 लाख रुपए की है। फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए? आईआईडी है ना? आईआईडी में पाएं बिजनेस की तमाम इंडस्ट्री से जुड़ी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। जहां तक बात है रॉ मटेरियल्स की, तो आपको सक्शन पाइप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पीवीसी रेजिन, कैल्शियम कार्बोनेट, डीओपी प्लास्टिसाइजर्स, क्लोरीनेटेड पैराफिन बैग्स, कलर्स, ब्राइटनेस और पैकेजिंग मटेरियल्स आदि की जरूरत होगी और इन्हें प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन्स और इक्विपमेंट की बात करें तो आपको चाहिए पीवीसी मिक्सचर मशीन, सक्शन हॉर्स पाइप एक्सट्रूजन मशीन, पीवीसी रिजिड एक्सट्रूडर, ऑटो सक्शन ग्राइंडर मशीन, वाटर टैंक, मिसलिनियस एसिड्स। एंड टू रन दीज मशीन्स योर होल प्लांट विल नीड एटलीस्ट 125 to 130 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन। आइए अब बारी है प्रोसेस को समझने की, जिसके बारे में जानकारी देंगे हमें सूर्या पॉलीट्यूब इंडस्ट्री के ओनर मिस्टर चंद्रस्वर जायसवाल जी। सबसे पहले हम लोग मार्केट से दाना परचेज करते हैं, उस दाने को हम लोग मिक्सचर मशीन में डाल के उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह पड़ते हैं जिससे ब्राइटनेस वगैरह कहते हैं, जिससे पाइप में चमक पैदा हो। पहले वो हापड़ में हम लोग मिक्सिंग करते हैं। इसके लिए दो मिक्सर मशीन चाहिए, रिजिड पाइप के लिए अलग चाहिए जिससे धागे बनते हैं और गार्डन पाइप के लिए अलग चाहिए जिससे वो ट्यूब निकलता है। एक तो हमारा मिक्सर तैयार हो गया धागे के लिए जिसको हम लोग रिजिड पाइप बोलते हैं, और दूसरा हमारा मिक्सर तैयार होता है पीवीसी ट्यूब के लिए। उसके बाद प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस में हम लोग मिक्सर मशीन में जो माल हीट हो जाता है उसे हम लोग हापड़ में डाल के डायरेक्टली मशीन में उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग हापड़ में माल डालते हैं, रॉ मटेरियल जो अपना है दाना, तो उससे पिसाई होती है स्क्रू बैरल के माध्यम से। पिसाई करने के बाद वो मशीन डाई के माध्यम से, साइजर के माध्यम से बाहर निकलता है जो हमारा प्रोडक्ट। तो हवा और पानी इसका मेन उद्देश्य है कि हवा और पानी से हमारा पाइप बनता है। अगर हमारे पाइप में हवा नहीं होगा तो पाइप चिपक जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो पाइप इतना हीट आएगा कि वो पाइप लटक जाएगा। इसलिए हवा और पानी बराबर केयर करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही केयर की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति जो सुपरवाइजर है और जो टेक्नीशियन है वो परमानेंट वही मशीन पर रहता है पाइप का साइज और सिस्टम को चेक करने के लिए, और दोनों मशीनों को अटैच किए रहते हैं। तो दोनों मशीनों से एक रिजिड पाइप निकलता है, एक हमारा लेफ्टलेट गार्डन पाइप, दोनों को मिला के तब सेक्शन पाइप बनता है। तीसरा प्रोसेस उसका वही है। उसके बाद इसकी टंकी 100 फीट के आसपास आती है। 100 फीट का पाइप बनाना हो तो अगर वहाँ 100 फीट की टंकी बनी रहती है, सब पे फीट लिखा रहता है, अगर आपका 100 फीट हो गया घंटी बज जाती है, यहाँ से कट कर दिया जाता है। उसके बाद पाइप हमारा बाहर निकलता है, टेकअप के माध्यम से उस पाइप को हम लोग
बाहर निकालते हैं और उसे लेबरों के द्वारा उसका बंडल बना के फिर वजन होता है, उसके बाद हम लोग पैकिंग करके फिर मार्केट में बेचने का काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की ABCD जाननी है तो ज्वाइन करें IIT का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। प्रोसेस के बाद अब हमारी नजर होगी बाकी की डिटेल्स पर, जैसे कि बिजनेस शुरू करने के लिए एरिया कितना होगा, मैन पावर कितने चाहिए। अगर एरिया की बात करें तो प्लांट को शुरू करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 13,000 से 16,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट होगा। वहीं प्रोडक्शन एरिया आपको 6 से 7,000 स्क्वायर फीट में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और फिनिश गुड्स यानी फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको चाहिए 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट एरिया। वहीं अगर आप ऑफिस बनाना चाहते हैं या फिर आपको बनाना है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, तो उसके लिए आप 800 से 1,000 स्क्वायर फीट एरिया छोड़ सकते हैं। इस एरिया में अगर आप प्लांट सेटअप करते हैं तो आपको 20 से 25 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 4 से 5 स्किल्ड लेबर्स होंगे और 18 से 20 अनस्किल्ड। इन सब के अलावा आपको एक और बात पर गौर करना होगा, जो किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उन्हें इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, और वो है सही लाइसेंसेस लेना। इसके लिए आपको GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आदि लाइसेंसेस की जरूरत होगी। तो ये थी सक्शन पाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सभी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ गए हैं तो आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर आकर जरूर अपना बिजनेस शुरू करें। ऐसे ही और बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो या नई डॉक्यूमेंट्री या किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप भी उससे अछूता ना रहें। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।